हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है कि बहुत सारे शुगर केन्स को टाई किया गया है, तो एक ये जो बंडल है इसमें टोटल कितने हैं, 10 शुगर केन्स हैं। ठीक है, तो 10 इसमें, 10 नीचे वाले में और 10 इसमें, तो टोटल 10s कितने आते हैं मेरे, 4। ठीक है, तो 4 बार अगर 10 को आप प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 40। तो इसी है कि 4 मल्टीप्लाई 4 बार है, 4 इंटू 10 कितना बन गया, 40। और ये जो वंस, वंस मतलब जो सिंगल सिंगल वाले हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि वंस अगर देखें, 5 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 1 के साथ, तो कितना बनता है, 5। अब इनको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा हमारा, 45। तो किसी भी नंबर को बिल्ड करना है अगर आपने टेंस और वंस में, तो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो बंडल बन रहे हैं टेंस के वो कितने हैं, वो टेंस में लिखेंगे, और वंस में लिखेंगे जो वन वन वाले सिंगल सिंगल आपको शुगर केन दिए हैं, तो वो आप वंस में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे टेंस में है 3 और वंस में है 4, तो नंबर कितना बना मेरा, 34। ठीक है, अब मान लीजिए 43 बनाना है। अगर आपको 43 बनाना है तो यहाँ पे वंस पे क्या है, वंस की प्लेस पे है 3 और टेंस की प्लेस पे है 4। यानी कि 10-10 वाले मुझे 4 बंडल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप शुगर केन्स के बंडल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से ऐसे बंडल को आपने बांध देना है। ठीक है, ऐसे आपने 4 बनाने हैं सेम। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइनें बना देती हूँ, जिससे मैं हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा कितना है, 10 का बंडल है। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब नीचे और बनाने हैं मैंने, तो हम ऐसे ऐसे लाइनें दे देंगे, और इसी की थिकनेस जितना ऊपर वाली थिक है उतना ही मोटा नीचे वाला बना लेंगे, और बहुत सारी लाइनें ऐसे दे के इसको बांध लेंगे, और ये मेरे बन गए टेंस के 4 बंडल, और 1 के कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 3 अलग अलग से शुगर केन आपने बनाने हैं, 1 2 और 3। ये हो गया 4 टेंस के और 3 वंस के। तो नंबर कितना बना, 4 टेंस के 3 वंस के, तो नंबर बन गया 43। ठीक है, उसी तरीके से हम बाकी वाले देखते हैं। यहाँ आपको बंडल कितने दिए हैं टोटल, 1 2 3 4, यानी कि कितने हैं टोटल, 4 टेंस के। तो यहाँ आप लिखेंगे 4। ठीक है, और वंस के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वंस में आएगा 6, तो नंबर क्या बना, 46। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिए हैं टेंस के 2 बंडल। ठीक है, टेंस के 2 और वंस के दिखाया ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे नंबर भी नहीं दिया है, तो मैं अपनी मर्जी से ही वंस की प्लेस पे क्या बना लेती हूँ, 2। ठीक है, तो टेंस पे आ गया 2, वंस पे भी आ गए 2, तो नंबर कितना बन गया मेरा, 22। जैसे यहाँ पे दिया 22, टेंस पे 2, वंस पे 2, तो यहाँ पे आपने ड्रॉ कैसे करनी है, पिक्चर जैसी यहाँ दे रखी है, सेम आपने पिक्चर यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे दिया है, राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस। नीचे जो आपको स्पेस दी है नंबर लिखना है, सेम जैसे हमने पीछे किया था। बंडल कितने हैं टेंस वाले, 1 2 3 4 5, तो टेंस में लिख देंगे 5, और 1 का है सिर्फ 1, तो कितना बन गया, 51। सेम यहाँ पे बंडल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा, 7 टेंस एंड 1 2 3, 3 वंस, तो नंबर बना मेरा 73। उसी तरीके से बच्चों आपने ये वाले बाकी जितने भी इस पेज में बचते हैं खुद ट्राई करने हैं और खुद से लिखने हैं, ये सारे ही काउंट करके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया है आपको नंबर्स फ्रॉम 51 to 70। 51 और 70 के बीच के यहाँ पे नंबर दिए हैं, तरीका सेम ही है। अब यहाँ पे माचिस की तिल्लियाँ दी हैं, हर एक बंडल कितने का होता है, 10 तिल्लियों का होता है, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 टेंस और 1 वन, तो 1 1, तो नंबर कितना बना, 51। उसी तरीके से 5 टेंस और 2 वंस, तो 2 वंस के लिए मुझे यहाँ पे 2 माचिस की तिल्ली बनानी पड़ेगी पहले, तो
इस तरीके से आपने बनानी है। ये बन गई दो माचिस की तिल्ली, तो 2 1s बन गया 52। उसी तरीके से यहाँ पे 6 बंडल थे और 161, तो यहाँ पे 6 टेंस है और नीचे 2 है, तो नंबर क्या बनेगा 62। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ पे 5 टेंस और 3 1s, तो 5 टेंस है मतलब मुझे 5 यहाँ पे बंडल ड्रॉ करने हैं, तो इस तरीके से आप ऐसे बंडल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा और ये पांचवा। देखिए यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है आपकी, आपके बंडल में कितनी स्टिक्स हैं और कितनी नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये शो करना है कि मेरा बंडल कितने का है, टेंस का है। तो आप इस तरीके से बंडल्स बना सकते हैं, ठीक है, लाइंस खींच खींच के और ऐसे शो कर सकते हैं। तो 5 टेंस के बन गए और 3 वंस के, तो नंबर कितना हुआ 53। ठीक है, उसी तरीके से 6 टेंस और 3 वंस हो गया 63। अब यहाँ पे कितने आएंगे, 5 टेंस और 4 वंस, यानी कि 4 मुझे सिंगल सिंगल तिल्लियाँ बनानी है, तो ये तो आपको बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 और ये बन गई 4, तो 4 वंस, नंबर 52। अब यहाँ पे क्या है, 6 टेंस और 4 वंस, तो यहाँ पे कितने बंडल बनाने पड़ेंगे मुझे, 6। तो इस तरीके से आप बंडल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके 6 बंडल आपने बनाने हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 बंडल। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, बाकी भी आपने यही तरीका आजमाना है और इस पूरी एक्सरसाइज को बच्चों आपने खुद कंप्लीट करना है। जितने भी टेंस वाले होंगे वहाँ आप बंडल बनाएंगे और वंस वालों में सिंगल सिंगल मैच स्टिक बनाएंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आपको दिया है नंबर्स फ्रॉम 71 to 90, सेम तरीका सेम प्रोसीजर। यहाँ पे भी आपने बंडल्स बना के नंबर लिखने हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में दिया है 7 टेंस एंड 2 वंस, तो बच्चों आपका यहाँ पे नंबर क्या आएगा 72। 8 टेंस और 2 वंस, तो यहाँ पे दो सिंगल आपने मैच स्टिक बनानी है, तो ये बन गए 2 वंस और नंबर आ गया 82। 8 टेंस 3 वंस, नंबर बनेगा 83। 8 टेंस 4 वंस, नंबर बनेगा 84। बच्चों इसी तरीके से आपने ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है, जैसा दिया हुआ है इसमें आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और नंबर्स को भी लिखना है। तो बच्चों आपने ये खुद से ट्राई करना है और खुद से इनको ड्रॉ करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर्स फ्रॉम 91 to 100, सेम प्रोसीजर सेम तरीका। अब यहाँ पे 9 9 बंडल बनेंगे, हर एक जगह पे 9 बंडल हैं और आगे वंस का यहाँ पे डिजिट देखने से 91 है, तो 9 बने टेंस के और 1 बना 1 का। अब 92, 9 बने टेंस के और 2 बनेंगे वंस के, तो 2 स्टिक्स बनानी है आपने, बन गया 92। 93 दिया हुआ है, 94 के लिए यहाँ पे कितनी स्टिक्स बनेंगी, 4। ठीक है, ये बन गया 94। उसी तरीके से आपने 96 ड्रॉ करना है, यहाँ पे नीचे आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं, क्या बनेगा यहाँ पे 9 टेंस और 7 वंस, कितना बना 97। उसी तरीके से पूरा आपने कंप्लीट करना है। 100 के लिए क्या होगा, 9 टेंस और 1 टेन, यानी कि 9 टेंस हुआ 90, 1 टेन हुआ 10, तो टोटल कितना बना 90 plus 10 100, तो ये मतलब होता है 9 टेंस और 1 टेन का। ठीक है, तो ये हमारा था 91 से लेके 100 तक की काउंटिंग। मूव ऑन करते हैं आगे वाले पेज पे। राइट द मिसिंग नंबर, यहाँ पे मिसिंग नंबर देना। अब आपको काउंटिंग तो आती है, यहाँ पे कितने की काउंटिंग दी है, 51 से लेके 100 तक, जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, आगे क्या आएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। वैसे ही आपने यहाँ पे 81 से स्टार्ट करना है और पूरी काउंटिंग 99 के बाद 100 तक कंप्लीट करनी है। तो आई होप बच्चों आपको काउंटिंग तो आती ही होगी, तो ये बच्चों आपने खुद से इसको काउंट करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।